सालों से देख रहे हैं कि लोगों शहर को इतनी खूबसूरत बनाने के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट निकाल दिए गए, इसलिए हुकूमत ने भी लोगों को खूबसूरत करने के लिए बहुत सी डेवलपमेंट स्टार्ट की। पर ज़रूरी नहीं है कि हुकूमती बजट से ही शहर को खूबसूरत बनाया जाए, इसमें हमारी आवाम की थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए। इसके अलावा मेरा लाहौर के इन इलाकों से आना जाना है, जैसा कि आपने देखा होगा लिबर्टी गोल चक्कर, वहाँ पे भी एक पेंट की प्राइवेट कंपनी ने पेंट करके माहौल को साफ़ सुथरा बनाया है। तो एज आ शहरी हमारा भी फ़र्ज बनता है कि हम माहौल को साफ सुथरा बनाने के लिए बड़ी चक्कर लिखता है। जी मेरा नाम है अहमद हसन और मैं यहाँ के लाहौर का शहरी हूँ। तो अक्सर मेरा भी गुजर जो है वो इन जगहों से होता रहता है, जैसे लिबर्टी गोल चक्कर हो गया, कुर्सी हो गया, करीम ब्लॉक साइड होगी। तो अक्सर यहाँ से गुजरते हुए हम माजी में मैं यही देखता था कि यहाँ पे कूड़ा, क्रिकेट, परिंदे और गंदगी का एक माहौल होता था, जो देख के ना तो फैमिलीज को अच्छा लगता है ना एज ए इंडिविजुअल इंसान को अच्छा लगता है। जैसे जैसे बात गुजरा तो ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी काविश थी, कुछ पेंट्स वाले थे जिन्होंने यहाँ पे आर्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के स्टूडेंट्स हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जो है पेंटिंग वगैरह करके इस माहौल को एक अच्छा साफ सुथरा बनाया है। तो एज ए शहरी भी हमारा ये फ़र्ज है कि हम ऐसी कंपेन्स में हिस्सा लें और अपने माहौल को साफ सुथरा करने की कोशिश करें, ताकि आने वाली जो नस्लें हमारी उनको भी एक पैगाम जाए कि अगर अपने इर्द गिर्द के माहौल को गंदा करेंगे तो उससे बाद में इफेक्ट हमें ही पड़ना है। तो मेरा यही सबसे शहरियों से भी कहना है कि अपने माहौल को साफ सुथरा रखें और ऐसी कंपेन्स में हिस्सा लें। Hello।